हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रेगी टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सबनेटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि सबनेटिंग करने से पहले हमें उसकी सीएडर वैल्यू, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क और डिफॉल्ट सीएडर वैल्यू का पता होना जरूरी है, उसके लिए हम सबनेटिंग को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आज मैं बात करूंगा बेसिकली सबनेट मास्क और सीएडर वैल्यू के बारे में और इसके नेटवर्क और होस्ट आईडी के बारे में, किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं सारी चीजों को। दोस्तों, अगर आप एक नेटवर्किंग स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शॉर्ट मैसेज के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप जानते हैं सीएडी वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके पहले उसकी कुछ बेसिक चीजें उनको भी जानते हैं। और जैसे क्लास नाइन का हमारा आईपी एड्रेस होता है, उसकी रेंज होती है 1 से लेके 126 तक, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, और इसका डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू होती है इसकी इक्वल से स्लैश, इसको सीएडी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश के बाद। इसको आईपी एड्रेस है हमारा 10.0.0.0/8। इसकी सीएडी वैल्यू 8 क्यों आई है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है उसमें नेटवर्क बिट्स होती है 8 और होस्ट बिट होती है 24। नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अब ये हमारा आईपी एड्रेस है, इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये रिजर्व है नेटवर्क के लिए, 8 बिट्स होती है ऑक्टेट में, और ये 3 जो है ये हमारा रिजर्व है इसके लिए होस्ट के लिए। इसको मैं लिख देता हूँ बाइनरी में, और ये नेटवर्क बिट्स है तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसको 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हो गए 4 ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट हमारा जो रिजर्व है ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और ये बाकी हमारे कौन से होस्ट के लिए। तो इसमें कितने 8 बिट्स हैं, तो नेटवर्क बिट्स तो कितनी है 8, और ये कितनी है 24 होस्ट बिट प्लस ए के लिए। अब जो भी हमारी जिस भी क्लास के आईपी एड्रेस में जितने भी नेटवर्क बिट्स होंगी उसी को हम सीएडी वैल्यू में डालेंगे। या फिर डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू नेटवर्क बिट्स, यानी कि डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू जो भी होगी उतने ही हमारे नेटवर्क बिट्स होंगे। इसलिए क्लास ए में डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू होती है 8, क्लास बी के लिए डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू होती है 16, एंड क्लास सी में जो डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू होती है 24। के लिए देखते हैं क्लास बी में क्या होता है। क्लास बी की जो रेंज होती है 128 से 191 होती है, इसका भी डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0 होता है, और इसका सीएडीआर वैल्यू जो होती है डिफॉल्ट में होती है इक्वल स्लैश 16। जब भी हम इस सीएडीआर वैल्यू को लिखेंगे तो स्लैश लगा के लिखेंगे आईपी एड्रेस के पीछे, जैसे 190.0.0.0/16, यानी कि इसके अंदर जो भी नेटवर्क आईडी जो है वो कितनी है 16 है, नेटवर्क बिट्स जो है 60 क्लास बी के अंदर। क्लास बी का आईपी एड्रेस है मान लो इसके अंदर 4 ऑक्टेट हैं, तो इसके 2 ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए और 2 ऑक्टेट रिजर्व है होस्ट के लिए, यानी कि इसमें इक्वल होते हैं, नेटवर्क के भी 16 होते हैं और होस्ट के भी 16 होते हैं। और सीएडी वैल्यू हमारी इक्वल होती है नेटवर्क बिट्स के, जितने भी नेटवर्क बिट्स होते हैं उतने ही हमारी डिफॉल्ट सीएडी वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गए क्लास बी के लिए। अब क्लास सी के लिए देखते हैं, क्लास सी की जो रेंज होती है 192 से लेके 223 तक होती है, ठीक है क्लास सी। इसका जो होता है सबमिट मास्क, डिफॉल्ट सबमिट मास्क 255.0 होता है, क्योंकि इसमें और इसका सीआईडीआर वैल्यू जो होती है डिफॉल्ट सीडीआर वैल्यू वो होती है स्लैश 24। अब इसकी सीएडी वैल्यू 24 क्यों होती है, क्योंकि क्लास सी में हमारे क्लास सी कोई भी एड्रेस है उसमें 4 ऑक्टेट होंगे, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगी, इसकी स्टार्टिंग की तो 3 बिट्स होती है, 3 ऑक्टेट जो होते हैं ये हमारे रिजर्व होते हैं किसके लिए, नेटवर्क के लिए। एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होती है 8, तो कितना हो गया हमारा 24 बिट्स तो नेटवर्क की हो गई और 8 बिट्स हो गए होस्ट की। तो इसलिए हम सीएडी वैल्यू यूज करते हैं डिफॉल्ट वाली कितनी 24।
CIDR वैल्यू मैंने आपको बताया है जितने भी हमारे नेटवर्क बिट्स होंगे डिफॉल्ट CIDR वैल्यू उसी IP एड्रेस की उतनी होगी। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं ये CIDR वैल्यू जो है चेंज क्यों होती है हमारी, जिसमें 24 है और क्लास सी में आपको 26 भी मिलेगी, देखने को 28 भी मिलेगी। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे घटते और बढ़ती रहती है, 24 से ज्यादा ही मिलेगी अगर क्लास सी का IP एड्रेस है। हम समझेंगे CIDR वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्लास सी के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो कोई भी हमारा क्लास सी का IP एड्रेस है 192.168.1.10/26। हम जानते हैं कि हमारा जो नेटवर्क का बिट्स होती है उसको हम CIDR वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्लास सी की जो नेटवर्क बिट्स होती है वो 24 होती है, तो हमने यहाँ पे 26 क्यों लिखा हुआ है उसको समझेंगे। अब ये हमारे 3 bits रिजर्व है नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 bits हैं, ये 3 octet है नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और लास्ट वाला जो octet है ये है host वाला, तो इसको लिखेंगे 0 8 times 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस हमारा ये 24 होता है, लेकिन ये 26 है। 26 कैसे आया, इसमें क्या है हमारे जो नेटवर्क बिट्स है 24 हो गए, लेकिन उन्होंने क्या है 2 bits जो है बोरो किए हैं, इससे यहाँ से 2 bits ली है नेटवर्क की, 2 bits और इंक्रीज हो गई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 26 हो गया है। तो इसको लिखेंगे, इसको सेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी जो स्टार्टिंग की 2 bits है इसको हम नेटवर्क बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी जो हमारे 6 bits हैं ये हाउस में रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अभी सबनेटिंग में जाएंगे, इसको थोड़ा क्लियर कराएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब भी हमारी CIDR वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे नेटवर्क बिट्स इंक्रीज होते हैं, जितने भी नेटवर्क बिट्स रहेंगे हमारी CIDR वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। डिफॉल्ट में तो हम चेंज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट तो उतनी रहती जितनी होती है, लेकिन जब हमारी ये बढ़ती है और बढ़ती है तो इसमें हमारे नेटवर्क बिट्स भी बढ़ जाती है, इसलिए ये CIDR वैल्यू जो हमारी बढ़ गई यहाँ पे 26 हो गई। अब इससे हम सबनेट मास्क करेंगे तो चेंज हो जाएगा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं आएगा, इसका चेंज हो जाएगा। सबनेट मास्क इसका आएगा 255 255 255 255 255 255 डॉट। इसका सबनेट मास्क जो आएगा हमारा फॉर्मूले से आएगा, हमारा जो भी फॉर्मूला है 1 2 8 4 16 32 और 64 एंड 128। ये एक बाइनरी डेसिमल है, पर आपने नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं बाइनरी डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो इसके जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो 2 वैल्यू है इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 192, और ये 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा सबमिट मास्क आ गया। ये इस उसके लिए इस वाले बाइनरी के लिए हमारा जो सबमिट मास्क आ गया, साइबर्स के लिए सबमिट मास्क आ गया हमारा ये। डिफॉल्ट में 255 255 255.0 होता है, लेकिन जब हमने सबनेटिंग कर दिया तो उसका सबनेट मास्क में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं अगर कोई भी हमारा यहाँ पे CIDR वैल्यू जो है ये अगर 20 क्लास सी में 24 से ज्यादा है तो यानी कि उसके नेटवर्क बिट्स इंक्रीज हुए हैं, और क्लास अगर सी की बात बी की बात करें क्लास बी की CIDR वैल्यू होती है डिफॉल्ट 16, अगर उसमें 18 है 19 है उसको हम आइडिया लगा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क बिट एड हुए हैं। ऐसे क्लास ए की बात करें, अगर क्लास ए में हमारे CIDR वैल्यू होती है डिफॉल्ट 8, अगर उसकी CIDR वैल्यू 8 से ज्यादा है 10 है 12 है तो उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क बिट्स ऐड हुए। जब भी हम नेटवर्क बिट्स ऐड करेंगे तो उसकी CIDR वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा CIDR वैल्यू का कैलकुलेशन, इसका सबमिट मास्क, डिफॉल्ट सबमिट मास्क आदि के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।